गाइस अगर आप पबजी खेलते हो तो आपको पता ही होगा, जो आईफोन में खेलते हैं तो वो हमेशा प्रो नहीं होता, ठीक है। अगर कोई लो डिवाइस में भी खेलता है ना, वो भी प्रो होता है। लेकिन बात यह है कि जो आईफोन में खेलते हैं उनका अगर 2-3 स्कोर के साथ क्लोज रेंज में फाइट चलेगा तो हैंग नहीं हो जाएगा, फ़ोन लैग नहीं चलेगा और फ़ोन स्मूथ से चलेगा। अगर लो डिवाइस की बात करते दोस्तों, जो लोग लो डिवाइस में खेलते हैं, गेम तो अच्छे खेलते हैं, पोजिशन उन सब कुछ सही रहता है, लेकिन उनका जो फाइट लेने का 2-3 स्कोर के साथ जब फाइट लेगा ना, तो फ़ोन उसका रुक रुक के चलता है, उसके वजह से जो कि वो फाइट से इसे ले नहीं पाता है, मर जाता है। लेकिन वजन से ही, लेकिन उसका डिवाइस उनका साथ नहीं देता है। तो ऐसा ही कुछ होने वाला है मेरा इस मैच के साथ। तो देखो अभी सही से सब कुछ सही चल रहा है, तो यहाँ पे 2-3 बंदे है, मिलिट्री बेस में काफ़ी बंदे उतरे, तो यहाँ पे उतरे 2-3 बंदे, तो मेरा साथ भी कुछ ऐसे होने वाला है। तो वीडियो को जरूर देखना पूरा। और मेरा ये जो गेम प्ले देख रहे हो आप, कुछ आईपैड की व्यू जैसा दिख रहा है, शायद आप नोटिस कर सकते हो। तो ये किस तरह से करते हैं अगर आपको पता नहीं तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं ऑप्शन दिखा दूंगा कैसे करते हैं। तो रियल कोई ना कोई स्प्लिट स्क्रीन करना पड़ता है, ना कोई ऐप्स का ज़रूरत है। तो ज़रूर बताना कमेंट में, अगर आप पता है तो सही है, अगर नहीं पता है तो कमेंट में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। यहाँ पे तो एक स्कोर के साथ कार में फाइट होने वाला है। तो देखो अब यहाँ पे जो होते हैं, मेरा फ़ोन जो है लैग होने लग जाता है, वर्क नहीं करता है। नेट तो वैसे पिंग से ही चलता है, लेकिन फ़ोन जो है रुक रुक के चलता है, फायर जो होता है ना रुक रुक के जाता है। तो इसका वैसे तो एम जो होता है ना, एनिमी के ऊपर सही से नहीं बैठता है। कितना ज़्यादा लैग होगा यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा पोजीशन और सब कुछ सही था, लेकिन मेरे डिवाइस की वजह से मैं यहाँ पे टपक जाता हूँ। तो यहाँ पे फ़िलहाल एक कार ऊपर गया, तो वहाँ पे शायद नहीं है। नोटिस किया दोस्तों किस तरह से लैग हो रहा है, देखो पिंग मेरा सही है लेकिन फ़ोन जो वर्क नहीं कर रहा है, पूरा रुक रुक के चल रहा है। इससे मैं आप 1v4 तक या 1v1 ही नहीं कर सकते। देखो मैं टपक गया, मार भी डाला।